परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां जो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अलङ्कं द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रदे नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्णस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीयानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सभेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मानवेदम् मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नित्यास्तवोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायम् प्रसादये त्वा महमीशमीयम् सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देव सोऽहम् अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवान् भावयतानेन देवी वा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगानि बोधेवा दास्यन्ति योग्यभाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञश्रेष्ठाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकेल्विषये भुञ्जते ते त्वं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवान्ति भूतानि
पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अभायुरेन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव स सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नात्युते नेह कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनाशर में हुआ। राम सिद्धांत तो सुना ही होगा ना, भगवान आते मत्स्यं कूर्म वराहंच वामनंत जनार्दनम, भगवान के अवतार होते हैं त्वेश, उसे मत्स्य अवतार भी है, वराह अवतार भी है, नृसिंह अवतार भी है, ये सुना है भी आपने, सुना है ना। तो अब नृसिंह अवतार हो नृसिंह की तरह सिंह की तरह करेगा, और वराह अवतार होगा तो जैसे सूर करे वैसे काम करेंगे भी? और करेंगे और करेंगे तो अवतार कैसे होगा, और मनुष्य होकर के सब क्रिया कर नहीं सकते। और गीता माया है यदाचते श्रेष्ठ देवेतरोजना सयत प्रमाणं कूते लोकस्तदनुवर्तते। दो बात है इसमें, जो जो श्रेष्ठ आचरण करे श्रेष्ठ अच्छा पुरुष, लोग उसका अनुगमन करते हैं, और फिर वो जिसको प्रमाणित कर दे उसके अनुसार लोग चलते हैं। तो लोग संग्रह के दो अर्थ हुए, एक श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण और एक श्रेष्ठ पुरुषों का वचन। तो इसमें अगर एक मुकाम चल जाए दो क्यों गए, तो आचरण सब तरह का आदमी कर नहीं सकता। मनुष्य होगा तो पुरुष होगा तो पुरुष के अनुसार ही आचरण करेगा, स्त्री के अनुसार कैसे आचरण करेगा। अगर वो अगर ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ब्रह्मचर्य का ही आश्रम का ही नियम पालन करेगा, और कैसे करेगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के अनुसार ही चेष्टा करेगा, वैश्य होगा तो वो श्रेष्ठ पुरुष सभी हो सकते हैं, तो वो अपने वर्णाश्रम के अनुसार चेष्टा करेगा तो वो सबके आदर्श कैसे होगा। तो वो नहीं कर सके वो बता दे उनके लिए गए तो वो यदाचर्थ प्रमाण कुर्ते लागा गया। अब प्रमाणन कुर्ते ही कहे तो फिर स्वयं आचरण करता नहीं, केवल बातें कहे तो उनका असर पड़ता नहीं। वैसे अगर उपदेश देगा पतिव्रता बढ़ना चाहिए स्त्रियों को तो लोग हंसेंगे, हंसो थोड़ा ही पड़ेगा। तो प्रमाण कर देना ये भी बात है और आचरण करके दिखाना है कि दोनों बातें हैं। तो हमारी दृष्टि से हमने अच्छा मंदा दो विचार कर रखे हैं, उसमें अच्छा आचरण करे उसको तो भगवान मान ले, और अच्छा आचरण नहीं करे उसको भगवान कैसे माने। तो भगवान हमने माना नहीं है, हमने तो अच्छी अच्छी चीज को भगवान माना है। तो भगवान तो सब कुछ है, मेला पर है तो भगवान नहीं है क्या? हड्डी है, मांस है, दुर्गंधी आ रही है, पेशाब पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो क्या वो परमात्म तत्व नहीं है? वो भी परमात्म तत्व ही है, तो दूसरी चीज आवे कहाँ से? मूल में एको हम भविष्यम भगवान ने कहा, मैं एक ही अनेक रूप से बन जाऊं, तो अनेक रूप से बनने तो सब एक रूप कैसे होंगे, तरह तरह के रूप होंगे। तो तरह तरह के रूप बने तो परमात्मा एक, वो मैली चीज गंदी चीज कहाँ से आई बताओ? भगवान ने मसाला तो कहीं लाया नहीं, बन गए आप अकेले सब कुछ। जब अकेले सब कुछ बन गए तो सब कुछ में गंदी चीज पीछे रह गई क्या? ऐसे आतन खराब आतन पीछे रह गए, अच्छे आतन कैसे आ गए? ये सब हो गया। तो सभी ऐसे आचरण करने में हम देखे भगवान, तो ये भगवान सीमित होंगे,
असीम नहीं होंगे, भगवान तो असीम है। आप वो तो अच्छा आचरण करे शास्त्री तब तो वो भगवान, नहीं करे तो भगवान नहीं, तो भगवान छोटे होंगे आपके, बड़े भगवान नहीं होंगे। अच्छा छोटे को भगवान मानने में तो हर एक मान सकता है, परंतु सबको भगवान मानने वाला दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, ऐसा तो ज्ञानवान महात्मा सर्वात्मा दुर्लभ है। तो दुर्लभ तो वासुदेव सर्वम मानोगे तो सर्वम में किसको निकालोगे? क्या चोर है, कोई आदमी डाकू है, कोई हत्यारा है, अगर उसको निकाल दोगे तो आपके भगवान छोटे हो जाएंगे ना। तो ये तीन बात है हमारे सामने, एक तो ये करना और ये न करना, ये बात है। एक है मानना, तो मानने के बीच में सब आ जाएंगे, करना न करना दो विभाग है। तो करने में शास्त्र के आत्मिक है जो करना और शास्त्र का निषेध नहीं करना, ये बात है। पर मानने में तो सब कुछ परमात्मा ही है। अब वो लीला ऐसी करते हैं तो मैं तो अपने साधारण बुद्धि से छोटी सी बात कहता हूँ, भगवान अभी कलयुग की लीला करते हैं कि युग की लीला करनी पड़ेगी, सतयुग में सतयुग की लीला, त्रेता में त्रेता की लीला, द्वापर में द्वापर की, और कलयुग में कलयुग की लीला। तो भगवान ऐसे करते हैं, चोर डाकू है तो भगवान कलयुग में होने वाली लीला करते हैं। अपने को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भागवत में साफ आया है, ईश्वरानाम बस अच्छम तथैव आचरणं क्वचित। ईश्वर जो बड़े समर्थ हैं, उनका वचन है वो प्रमाणिक है, आसन भी कहीं कहीं आसन सब के सब नहीं दिएगा। गीता में जिद चलती का उसमें आचरण क्वचित, कहीं आचरण भी लेना है, परंतु उनका वचन क्या है? तो जो भगवत स्वरूप है, अपने जिस पर श्रद्धा विश्वास होता है, ऐसे आदर्श रूप है। तो संसार में आदर्श रूप भी होते हैं, सामान्य रूप भी होता है। तो आदर्श रूप है, उनके वचन लेना चाहिए, आचरण का भी नहीं। तो भगवान का रूप देखने में, वो तो आचरण करने में है, और देखने में पता क्या लगे, लीला है भगवान की अनेक तरह की। तो भगवान अनेक तरह की लीला करते हैं, भगवान का स्वरूप है, ऐसी लीला करते हैं, अपने को ऐसा करना नहीं है। ऐसे बताएंगे भगवान के, मैं कहूँ जैसे करो आप, उनका तो उसमें कैसे नहीं कैसे देखा जाए भगवान को? तो भगवान को तो भगवान तो है ही, देखा जाए। ये अपनी पहले ये गलती हुई है, जानते ना, ये गलती बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गलती क्या है कि भगवान देखो, ये देखने की बात है ना, तो हमारे जिम्मेवारी हुई देखने की, तब ये शिकायत शिकायत होगी। देखने का अर्थ ये नहीं है तुम भगवत स्वरूप देखो, ये नहीं है, भगवान ही है ऐसा स्वीकार करो, ऐसा जानो, मन से स्वीकृति करो। देखे लोग तो मजा से आदत हो रहे थे, वो दिखेंगे वो भगवान कैसे दिखेंगे? रोज दिखेगा सहूगा सहूगा दिखेगा। तो अपने देखने के ऊपर नहीं देखना चाहते हैं, तो वास्तव में मर्म को जानना चाहते नहीं आप। वास्तव में साधक वो होता है जो मर्म को जानना चाहता है, मर्म की तरफ भीतर गहरा उतर कर देखता है, तब वो साधक होता है। ऊपर ऊपर देखने वाला साधक नहीं होता। तो सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए, ये बात नहीं है। वास्तव में भगवान है ये स्वीकृति होनी चाहिए। देखना का अर्थ है स्वीकृति, जो भगवान है। तो यहाँ तो हमारी स्वीकृति नहीं होती, तो नहीं होती तो अपनी गलती है। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। साफ का सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाति जैसी भावना तैसी फल हो, सब ईश्वर रूप है तो ईश्वर रूप ही। अब भावना अलग अलग हो तो अलग अलग फल होगा, तो अलग अलग भावना भगवान का स्वरूप देखने पर अलग भावना नहीं होगी, सभी भगवान ही है। आप अपने घर को देखो, आप जिसको अपना घर कहते हो, उस घर में क्या ठाकुर जी का मंदिर नहीं होता?
का रसोई घर में ही होता है, क्या सामान रखने का वो स्टोर नहीं होता है, और क्या चट्टी पेशाब घर में होता है, स्नान घर नहीं होता है क्या, तो सब मिलकर घर है कि नहीं, हमारा घर है तो आपको चट्टी को हमारे कैसे माने, चट्टी नहीं माने तो घर का दूर रह जाएगा, सब घर है ये, घर में सब तरह की चीजें हैं, सब तरह का स्थान है, सब तरह की क्रिया होती है, सब मिलकर घर पूरा का पूरा है। तो ये घर को जब आप पूरा घर मानते हो तो परमात्मा को पूरा भगवान को मानो, जो है जो भगवान है, ये मिला हुआ घर है, क्या उसमें मंदिर मंदिर ही घर है, क्या तट्टी घर है वो घर नहीं है, वो पेशाब घर है वो घर नहीं है क्या, घर है तो घर अलग अलग है, तो अलग अलग होते भी हमारा घर तो वहाँ घर एक ही कहलाएगा। इस तरह से अनेक तरह के आचरण होने पर भी ईश्वर तो वही कहलाएंगे, ईश्वर ही कहलाएंगे, भक्तों की दृष्टि में तो भगवान ही है। और ये अगर दृष्टि नहीं होती है तो पंडिता समदर्शी न कैसे होगा, विद्या विनय संबंधी ब्राह्मणी और गवि हस्तनी सुनी केवल सौभाग्य कुत्ता और चांदाज पंडिता समदर्शी ना, तो उनको देखेंगे तो जिनमें देखने में बिल्कुल भिन्न भिन्न एकता कर नहीं सकते, ऐसे उदाहरण लिए तो अब कुत्ते में और गाय में एकता ही देखो तो गऊ को तो माना है श्रेष्ठ, कुत्ते को स्पर्श करने का भी अशुद्ध माना है, कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो स्नान करो अथवा कम से कम हाथ तो धो ही उसे, कुत्ते का स्पर्श हो गया, ब्राह्मण का तो चरणों का स्पर्श करने से पवित्रता आएगी आप में, तो कितनी कितना फर्क है। परंतु परमात्मा सब में है, जीव सब में है, वो परमात्मा हृदय से दृष्टि, तो ब्राह्मण के हृदय में है क्या, कुत्ते के हृदय में भगवान नहीं है क्या, मछली के हृदय में कुत्ता नहीं है, और स्वभाव चंडाल के हृदय में परमात्मा नहीं है क्या, तो परमात्मा है भीतर, उस परमात्मा को देखो, तो परमात्मा देखने के लिए आज क्या कर दिया कि सब साथ एक बर्ताव करो, खाना पीना सब एक से एक करो, ये गलती है, ये समझे नहीं तत्व को, एक करो कुत्ते के साथ कैसे खाओगे, और गाय को दुओगे तो कुतिया को भी दुओगे, और हाथी पर चढ़ोगे तो कुत्ते पर भी चढ़ोगे क्या, ये कर सकते नहीं, ऐसे प्राणी ला करते रखे है तो जिसमें आप एकता का बर्ताव कर सकते ही नहीं, जहाँ बिल्कुल बर्ताव भिन्न भिन्न करना पड़ता ही है और करना चाहिए भी, सातवी आज्ञा भी है और व्यवहार में भी करना पड़ेगा ही, वहाँ भी पंत है, समदर्शन है, सब में परमात्मा है, ये दर्शन है उनका, तो ये दर्शन होने से क्या होगा, सेवा सबकी होगी, कुत्ते की तरह सेवा होगी, विद्या विनय ब्राह्मण की ब्राह्मण की तरह सेवा होगी, चांदाल की तरह सेवा होगी। आप अपना सब बर्ताव करते हो तो बूढ़ों के साथ बालकों के साथ एक बर्ताव हो जाएगा आपका, स्त्री के साथ और बहन के साथ एक बर्ताव हो सकेगा, अपनी एक माँ है, एक बहन है, एक स्त्री है, अब इनके साथ देखा जाए तो शरीर तो कैसे ही है, माँ का जैसे शरीर, बहन का जैसे ही, बेटी का जैसे स्त्री का शरीर में, तो वो एक ही बनावट है, तो बर्ताव ये कर सकते हो, तो ये एकता बर्ताव करना तो बड़ी नीची बात है। अब ऐसे बर्ताव में तो पंडित होगा तो कुत्ता होगा, कुत्ता बिना पग धोए ब्राह्मण की रसोई में चल जाएगा, ऐसा नहीं है ब्राह्मण की रसोई पैर तो धो लूं, तो उसका समदर्शन ये हुआ, आज का समदर्शन ये है, पंडित का समदर्शन है, श्लोक को कहते हैं, ऐसे श्लोक को बताते हैं, गीता समदर्शन कहती है, अरे समदर्शन कहती है, समवर्तन थोड़ा ही कहती है, दर्शन और बर्तन तो होगा यथा योग रीति से, दर्शन होगा भीतर से गहरे उतर के, तो है तो परमात्मा ही, परमात्मा में सृष्टि बनी है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो कुत्ते और चंडाल क्या और जगह से भरे हुए हैं, कोई दूसरा बनावट हुई है और एक और जगह रहते हैं, और क्या अंत में परमात्मा में लीन नहीं हो जाते हैं, देखो वहाँ एक होंगे ही, तो देखना और एक मानना, एक करना एक न करना, तो करना न करना ये विधि है, सात विधि और निषेध है,
पर देखने में तो सबको परमात्मा स्वरूप देखना, जब भी काम करना हो तो वहाँ देखना और होगा, और परमात्मा दृष्टि से एक होगा। तो परमात्मा दृष्टि है वासुदेव सर्वम, ये दृष्टि है परमात्मा की। तुम्हें परमात्मा नहीं देखा जाए तो नहीं देखा जाए, वहीं तो परमात्मा को देखना है, जहाँ देखता है वहाँ देखते हो, उतना में नहीं देखते। ये तो सूत्र सुखा भाई, फिर पंडित संदर्शन की विशेषता हुई। हर एक आदमी वर्ण आश्रम के अनुसार देखता है, पशु पक्षियों को विशेष देखता है, ये तो ज्ञान आपको है ही। फिर पंडित संदर्शन क्या बताते हैं भगवान, नहीं तो संदर्शन मानो समझो है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम्। समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्तु ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मा आत्मानं ततो याति परांगतिम्। तो संदर्शन का परम गति ज्यादा बताया है। तो विनश्यतु अविनश्यन्तम् समम सर्वेश भूतेषु, तो सर्वे भूत तो तरह तरह के होंगे, परमात्मा तो तरह तरह के होंगे, परमात्मा सब में एक होगा। जैसे सोने के गणों में सब में सोना एक है, लोग है शस्त्र एक है, मिट्टी के पत्र मिट्टी एक है, ऐसे सब में मिट्टी परमात्मा है, परमात्मा से ही बने हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में ही हो जाएंगे। तो तत्व से परमात्मा स्वरूप है, इस तरह से सोना है। और बर्ताव करने में तो अलग करते हैं, हाथों का बर्ताव करते हैं, हाथ एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सुखों वाली बात दुखों सुख दुख दे बरोबर देखते हैं, परंतु कोई मार्ग पूछे तो यू तो बता देंगे, मार्ग बताओ मार्ग मार्ग बताओ, लड़ाई हो जाएगी। आज यू कर अधिकारी यू कर समदर्शी है, हम सब बर्ताव करते हैं, अरे समझा यही है समझाओ तो नहीं सदा अलग बर्ताव है। तो बर्ताव वाले सात रीति है, फर्क हमारे क्या है, क्या कांटो भाग गया यहाँ तो नहीं निकालेंगे, कांटो भले बरोबर है ना कांटो बरोबर है, तो सुख दुख को बरोबर समझना, पर बर्ताव ये कैसे होगा, ये बताओ हमारे हम यूँ कह गया तो यूँ कह क्या फर्क होगा, बताओ क्या कोई फर्क है, क्या तो ये बड़ी है मेरा रिलेशन बड़ी है, आदर ज्यादा होनी चाहिए। बर्ताव में फर्क, वह चीजों में फर्क, परंतु परमात्मा तत्व में कोई फर्क नहीं है। अब सुने रहेगा ना, कान कान में पहले, नाक में पहले, कोई पैर में पहले, कोई कमर में पहले, कोई गले में पहले, तो उसमें अलग अलग जो नाक में गले में पहले सुनो तो एक व्यक्त। अरे भाई ये केवल उपयोग एक कैसे होगा, अलग अलग होगा, क्या एक उपयोग करो सोना आदमी सब का एक उपयोग करो, नख पहनने वाली पैर में पहन दो, ये कैसे होगा। बर्ताव जो करना है विधि निषेध के साथ उसके अनुसार बर्ताव करना, वो तो अलग अलग होगा। तो पंडिता समदर्शन समम पश्यति योगिना, समम पश्यन ही सर्वत्र, ये समम पश्यन पश्चिम लगाया कुरवन नहीं लगाया कहीं भी, ये समम कुरवन आज कुरवन में रहा है, ये तो समता है। संसार में समता होती है तो प्रलय होता है, साम्यावस्था होती है प्रकृति की तो प्रलय हो जाता है, संसार नहीं रहता। विषमावस्था में संसार रहता है तो मैं तो सब समता करूंगा तो प्रलय कर रहे हो महाराज, सत्यानाश करोगे सबका, प्रलय हो जाएगा। साम्यावस्था तो प्रकृति की, प्रलय अवस्था में होती सर्वता साम्यावस्था कहाँ होती है, विषमावस्था होती है। तो संसार तो विषमावस्था में होता है, और परमात्मा की परमा समावस्था मुक्ति होती है, और संसार समावस्था में प्रलय होता है, मर जाएंगे सब मुर्दा हो जाएगा, समावस्था प्रलय। तो परमात्मा की समावस्था में मुक्ति, तो परमात्मा संसार एक काम तो वही है, संसार में तो सबके हित का अपने स्वार्थ का त्याग कर हितता बर्ताव करो, और दवाई दस लागे को वो दे दी, दस बंद हो गए उसको एक ही दवाई दे दी, ऐसे क्या होगा, ये समता कैसे चलेगी। समता तो स्वार्थ का त्याग उसका ये देखना होगा, सर्वभूत हितेरथा बता वो करना होगा। तो परमात्मा अगर देखते हो अपना कल्याण कराते हो
तो सब में भगवत बुद्धि करनी होगी, एक बिना काम चलेगा नहीं, और व्यवहार में एक बुद्धि करूंगा तो काम चलेगा नहीं, पर परमात्मा को भेद बुद्धि करो तो काम चलेगा नहीं। परमात्मा में संदृष्टि करने से मुक्ति होती है, और प्रगति में संदृष्टि करने से प्रलय होता है। तो प्रलय मुक्ति है माँ प्रलय तो संसार में एकता करना है, प्रलय की तरफ जाना है, और परमात्मा में एक करना है, मुक्ति की तरफ जाना है। अब इसमें शंका हो बोल तो भगवान मांगे नहीं तो कैसे दौड़ता, हमारी बात सिद्ध हुई ना, नहीं कुत्ता दिखता हुआ कि भगवान है। अभी बताया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चाहिए कुत्ता और सौभाग्य के पंडिता समदर्शन तो समदर्शन भगवान को देखते थे। सब में देखना भगवान को देखना, सब में भगवान सब में है कि नहीं है, कुछ में नहीं है भगवान, भगवान जन भगवान हुआ, भगवान की दृष्टि से दौड़े कुत्ते कुत्ते की दृष्टि दौड़ा जाएगा दौड़ा तो भगवत बुद्धि से गया, कुत्ते की बुद्धि से दौड़ा दौड़ेगा। तो हित करना सेवा करना जैसे भगवान करे जो मनोवाक काय व्यक्ति की दिखा, मन से वाणी से और बर्ताव में, वाणी से और मन से और बर्ताव से सर्वोद्धि करना, अयम ही सर्व का परिणाम सभी तीनों पूर्ण मद्भाव सर्व होते हैं। मनोवाक काय वृत्ति, मनोवाक काय वृत्ति, मन से वाणी से और शरीर से और बर्ताव से, तो मैं ऐसा करना करता हूँ कैसा, हित का करना सेवा करना है। मानो भगवान है ना, हम शरण होते हैं, आप भोजन देते हो तो आप हिंदुओं को दे दोगे, मुसलमान दे दोगे, मैं तो वो भी देगो, समाज को भी दोगा कि नहीं, दो ना ना? अच्छा दोगे तो वो अलग अलग होगा वहाँ तो, परंतु भगवान सब में न्याय न रहे क्या, बल उसके शरण रहे। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से, हृदय में भगवान विराजमान है, तमेव संगत गा, तुम्हारे के संग नहीं गा ना, हृदय में भगवान विराजमान है सब हृदय से अर्जुन कृष्ण धाम सर्वभूता नियम का ज्ञान मारा तमेव संगत, तो भगवान के संग होगा तुम्हारे के संग ब्राह्मण के संग जो हृदय में विराजमान है, उस हृदय में तो एक ही है। पहला श्लोक है ये, पहली बात है ईश्वर सर्वभूता नाम विद्यमयन सर्वभूता माया तमेव शरण गच्छ, तो हृदय में सब भगवान है, भीतर भगवान किस में नहीं हो, अशुद्ध में शुद्ध में पवित्र में अपवित्र में बढ़िया में घटिया में मूल्यवान में एक में ठीक में भगवान के सत्म है, उस भगवान के संग हम कहते हैं पद क्या रही बता, ये तो विशेष समझना है। तो इंद्रिया तीत में तो फर्क नहीं, फर्क तो इंद्रियों में रहेगा, इंद्रियों का ज्ञान छोटा है, इंद्रियों का ज्ञान के उसे मन का ज्ञान बड़ा है, मन के ज्ञान में बुद्धि का ज्ञान बड़ा है, बुद्धि के ज्ञान में स्वयं का ज्ञान बड़ा है, तो बड़े ज्ञान में बात बताई छोटे में बताई, नेत्रों से हमारे सूर्य छोटा देखती है, सूर्य छोटा है ना, हवाई जहाज उतना छोटा सा दिखता है क्या, उतना ही है वो इंद्रियों का ज्ञान तो बहुत हल्की ज्ञान है, सब तरह से ज्ञान तो बुद्धि का ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, ये सब दिखते हैं ऐसे शरीर नेत्रों से ऐसे दिखते हैं, पर बुद्धि से देखा जो रजवीर से बने हुए हैं नंदम राग बन जाएगी, ये बुद्धि दृष्टि है, माँ बाप से रजवीर से बने हैं
तो ये बुद्धि दृष्टि है, आंख दृष्टि है, आंख थोड़ा दिखता है, गहरी दृष्टि से देखो, फिर आत्मदृष्टि देखो परमात्मा का स्वरूप है। नारायण 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 नारायण।